when we talk about the concept note making. So before we start it on the paper, first let us understand what is note making. Simple. नोट मेकिंग मतलब होता है जैसे आप बाद में कॉलेज जाओगे तो डेफिनेटली कॉलेज के अंदर द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दैट अ पर्सन इज यू नो स्लो. वहाँ पर आप एक घंटे के अंदर जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं चार या पांच वो एक दिन में ख़त्म करते हैं. एंड वाइल द टीचर इज टेकिंग वाइल द टीचर इज टीचिंग तो बच्चे जो हैं उसको जॉट आउट करते हैं एंड देयर वी यूज नोट मेकिंग. हाँ वी कैन ऑल्सो यूज नोट मेकिंग फॉर अवर क्लास 11 एंड 12. इट इज जस्ट अ शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड लेकिन इट विल कंप्राइज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मतलब जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको उसमें. अब क्या होता है कि वाइल वी आर राइटिंग द एंटायर पैसेज से आपका एक पैसेज है जो कि 300 वर्ड का लिखा हुआ है. ठीक है तो नाउ 300 वर्ड्स मतलब टू राइट इट अगेन इट विल टेक टाइम. और उसमें ऐसे कई चीजें हो सकती हैं विच मे नॉट बी रेलेवेंट. सेकेंडली विच मे बी रिपीटेड. तो हम क्या करते हैं वाइल वी आर मेकिंग द नोट्स तो हम उन चीजों को डिलीट करते हैं. एंड देयर इज सम टेक्निक ऑफ राइटिंग द नोट्स. कुछ चीजें आपको रखनी है याद. एंड इन अनदर वे इफ यू आर गुड इन नोट मेकिंग 8 on 8 या 5 on 5 जितने का भी क्वेश्चन होता है. अर्लियर इट यूज टू बी फॉर 8 marks. यू कैन गेट फुल मार्क्स. बट द टेक्निक हैज टू बी फॉलोड. आप इसको जस्ट इन केस जैसा मर्जी नहीं कर सकते हो. आपको वो जो टेक्निक्स हैं उसे आपको फॉलो करना है. मीन्स देर आर सर्टेन वे लाइक हेडिंग लिखना सब हेडिंग लिखना एब्रिविएशंस को यूज करना नंबरिंग या इंडेंशन करना दैट शुड बी रिटन. मतलब ये मस्ट है. अब आप ये बोलो मैम हम तो नहीं यूज करेंगे हमें मैम ऐसे लिखना ज्यादा इजी रहता है तो यू कैन. इट इज नॉट लाइक दैट. यू नीड टू यूज एब्रिविएशंस. नाउ व्हेन इट कम्स टू द वर्ड एब्रिविएशन सो व्हाट इज एब्रिविएशन. नॉट द वन विच यू आर यूजिंग इन योर व्हाट्सएप्स और योर सोशल मीडिया. व्हाट यू से सी यू लेटर सी यू या फिर आप लिखते हो आई सी यू. तो अगर आपने ऐसे वर्ड्स लिखे आई सी यू तो भाई वो आपको आई सी यू में ही पहुंचाएंगे. तो सी यू लेटर वो लिखना नो. दैट इज नॉट एब्रिविएशन. एब्रिविएटेड फॉर्म्स आपके जो हैं देर आर स्पेसिफिक एब्रिविएटेड फॉर्म्स जो हम ग्रामर में लैंग्वेज में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम दैट इज के लिए यूज करते हैं आई एन ई. हम यूज करते हैं सेकेंडरी के लिए एस ई सी. हम यूज करते हैं एंड का शॉर्ट फॉर्म. दोज आर कॉल्ड एज एब्रिविएशंस. एंड यूज ऑफ प्रॉपर एब्रिविएशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फॉर्म अच्छे से आता है मींस इफ यू नो हाउ टू मेक द नोट्स देन फुल मार्क्स आपके इसमें आप गेन कर सकते हो. एनीवे आपको एक पैसेज दिया जाता है. यू आर गिवन अ पैसेज एंड फ्रॉम दैट पैसेज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड ऑल द रेलेवेंट एग्जाम मतलब कि पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को आपने जॉट डाउन करना है एज नोट्स. सी ऑन माय ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दीज आर द सिंबल्स एंड देयरफॉर बिकॉज 100 एग्जाम्पल ग्रेटर देन लार्जर देन इक्वल टू या फिर सीबीएसई उसका एक्रोनिम हमने यूज किया
एनसीईआरटी, जीपीओ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द स्मॉल, कर्नल कंपनी, टेलीविजन, यूनिवर्सिटी, दीज आई शेयर ऑल दीज विद यू. तो ये जो लिखे हुए हैं इनको हम एब्रीविएशन कहते हैं. डू नॉट यूज द एब्रीविएशंस विच वी नॉर्मली यूज इन आवर व्हाट वी कॉल एस व्हाट्सएप लैंग्वेज. जैसे हम लिखते हैं गुड नाइट के लिए GN. दीज आर, ये हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद में दे मे बी एडेड, बट राइट नाउ ग्रामेटिकली दे आर नॉट एडेड. दिस इज द, ये इस चीज को आप ध्यान करिए. वी विल बी डूइंग इट राइट नाउ. इस चीज को अच्छे से ध्यान करिए. दिस इज द फॉर्मेट वी हैव टू फॉलो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट? मतलब आपका एक पैसेज है, राइट? द पैसेज, सॉरी, द पैसेज मे बी ऑफ समथिंग. मतलब दैट मे बी, जैसे आपका दूसरे वाला पैसेज है सेम ऐसा ही आता है. But what you have to do is, first of all, you have to read that passage. ऐसे passage आपको दिए जाएंगे. अभी हम लोग यही करेंगे. A good business letter is that one gets आपको ऐसा एक passage दिया जाएगा. The passage can be short, the passage can be somewhat long also. ये आपका passage है जो आपको दिया जाएगा. And this is how आपको इसे इंडेंट करके, मतलब इसमें हेडिंग, इसमें आपने देखा ए लिखा हुआ है, देन ए के नीचे छोटे वाला आई लिखा हुआ है, यानी कि सब सेक्शन, सब सब सेक्शन, आपको इसे इस तरीके से यूज करना. ये तो आपका फॉर्मेट है फॉर राइटिंग द नोट्स. बट वंस यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग द नोट्स, देन you need to go for the summary also. Ab matlab ki now you may be thinking that what is summary? What you have learnt, what you have learnt, whatever you have written, that is indent. Chote chote matlab aapne le liye hai. Ab aapko अपने दोबारा पैसेज के अंदर वापस नहीं जाना है. यू डोंट नीड टू गो बैक टू द पैसेज वंस अगेन. अ पैसेज मे बी ऑफ 300 वर्ड्स, नॉर्मली इट इज ऑफ 480 वर्ड्स, मतलब इस तरीके से होते हैं पैसेज के जो मोर देन 400. सो द पैसेज मे बी ऑफ 400 वर्ड्स, अ पैसेज मे बी ऑफ 480 वर्ड्स. नाउ यू डोंट नीड टू गो बैक टू द पैसेज वंस अगेन. अब आपको उस पैसेज का 1/3 या 80 वर्ड्स, मतलब 80 वर्ड्स इज अ लिमिट, आपको उसका समरी करना है. तो जो हमने नोट्स बनाए हैं, द नोट्स विच वी हैव ऑलरेडी मेड, जो हमने नोट्स बनाए हैं इन द इंडेंट, जो हमने ये बॉक्स में हमने ये जो नोट्स बनाए हैं, इनको ही हमने जो है एज अ सेंटेंस लिखना है. हमें वापस इस पैसेज पर नहीं जाना. वी डोंट नीड टू गो बैक टू दिस पैसेज. वी हैव टू ओनली, जो हमने नोट्स बनाए हैं, जो इस फॉर्म में बनाए हैं, दिस इज द फॉर्मेट, इंडेंटेड फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मेट. And most of the time, the students don't follow the format. If you are not following, then definitely you are not going to be getting the marks. Of course, if you have followed, yehi aap indent lekar chal rahe ho, jaisa isme likha hua. See, one is, aap aise likh sakte ho, 1A, fir uski sub-sub heading mein 1, 2, 3, aise de sakte ho.
या ये दूसरे वाला है 1, 1.1, 1.2, ऐसे आप दे सकते हो। दैट डिपेंड्स आप क्या देना चाहते हो अपने हेडिंग को, वन देना चाहते हो, ए देना चाहते हो, दैट इज योर ओन विश। तो दिस इज नोट मेकिंग इन अ नटशेल। आई कैन से कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा एंड उस पैसेज को आपने छोटे छोटे जो है फॉर्म्स बनाकर यू नीड टू राइट एज अ नोट्स। नाउ लेट अस कम टू द फॉर्मेट। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रो दिया है। नोट मेकिंग का मतलब होता है यू हैव बीन गिवन अ पैसेज, यू हैव टू मेक स्मॉल नोट्स आउट ऑफ इट। फॉर्मेट को बहुत 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 ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। फर्स्ट जो आपका पैसेज है दैट वुड बी बेस्ड ऑन सम टाइटल दैट हैज टू बी रिटन। इसमें हर चीज के मार्क्स हैं, हर चीज के। इफ यू थिंक दैट इसके कहां मार्क्स होंगे तो सबके होंगे, हाफ 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 करके हो जाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज द नोट, द नोट्स और द पैसेज मस्ट बी बेस्ड ऑन सम टाइटल। तो वो जो टाइटल है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नोट को। तो हमारे पास ये पैसेज है, वी आर हैविंग दिस पैसेज, अ गुड बिजनेस लेटर। मैं अभी इसमें इसको नहीं करवा रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। तो हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद व्हाट वी विल डू इज इस पैसेज को वी विल बी से डिवाइडिंग इनटू 4 to 5 पैराग्राफ्स इन आवर माइंड। चाहे वो 5 में दिया हो या ना दिया हो, आपको उसे मतलब कभी कभी तो 10 होते हैं वो, देर आर 10 पैराग्राफ्स इन एनी पैसेज, बट आपको उस पूरे पैराग्राफ को 5 हेडिंग्स के अंदर लेकर आना है, 5 हेडिंग्स के अंदर लेकर आना है। द वेरी फर्स्ट इज यू हैव टू गेट दैट पैराग्राफ इनटू 4 to 5 हेडिंग्स। वो पैराग्राफ में होंगे, हम उनको हेडिंग्स दे देंगे। नाउ हर हेडिंग का जो है, जो एक हेडिंग होगा दैट वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ सम रेलेवेंट फैक्ट्स। तो उन फैक्ट्स को हमने सब हेडिंग्स बना देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं टाइटल हमारा है नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब ही इज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात, ही जॉइंड बीजेपी। तो अब ये मैं बार बार बोल रही हूं, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात, ही जॉइंड बीजेपी। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो उनका जो उनकी जो जीवनी है उसको मैंने 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। द फर्स्ट माइट बी अबाउट हिज अर्ली लाइफ, मतलब वो कब पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी। फिर सेकेंड हो सकता है उनके पॉलिटिक्स के बारे में हो, और तीसरा हो सकता है उनका करंट स्टेटस एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अब मैंने उन पॉइंट्स को, उन जो सेंटेंसेस है उनको मैंने पॉइंट बनाकर सब हेडिंग्स दे देना है। कभी कभी क्या होता है, एक सब हेडिंग बहुत लंबा होता है तो हम उसको हिस्सों में बांट देते हैं बाय प्रोवाइडिंग सब सब हेडिंग्स। आई विल टेल यू हाउ, अभी मैं बताऊंगी, व्हेन यू आर डूइंग एन एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड। देन यू विल बी यूजिंग एब्रीविएशंस, और बच्चा एब्रीविएशन यूज करने का सबसे आसान तरीका है, एक जो हमारा हेडिंग है उसके नीचे अगर 4 से 5 सब हेडिंग्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, रिपीटेड।
ओनली फोर टू फाइव सब हेडिंग्स, आपके जो सब हेडिंग्स हैं वो फोर टू फाइव ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, द चिल्ड्रन राइट सिक्स और सेवन, एक ही के नीचे वो सिक्स सेवन लिखते हैं, फिर कहते हैं मैम हमें तो मार्क्स मिले ही नहीं थे। तो बेटा वो नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स आपका सब हेडिंग थ्री टू फोर टू फाइव होगा और सब हेडिंग थ्री टू फोर होगा, मैक्स टू मैक्स। इन अंडर एवरी सब हेडिंग वी कैन यूज वन और टू एब्रीविएशन विच इज मस्ट। ओवरऑल आपको जो है अपने पूरे पैसेज में फोर टू फाइव एब्रीविएशन लेने हैं एज पर सीबीएसई नॉर्म। सबसे पहले हम एब्रीविएशन लेते हैं तो जो हमारे स्टैंडर्ड एब्रीविएशन हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे एंड है हमारे पास, एंड है, देन दैट इज है, देयरफॉर है, पहले हम इनको लेते हैं, मतलब वॉट एवर इज गिवन इस तरीके का। बाय चांस आपका पूरे पैसेज में आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन मतलब ये यूज होते हैं इन अवर लैंग्वेज। मान लो आपके पैसेज में है ही नहीं, आपको मिला ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द फर्स्ट थ्री लेटर्स एंड द लास्ट लेटर विद अ फुल स्टॉप। लाइक दिस एंड यू कैन मेक एन एब्रीविएशन। और इन सम स्कूल्स जैसे रिमूव ऑल द वॉवल्स, आपके उसमें कुछ जितने भी वॉवल्स हैं उनको हटा दो, वो भी आप लिख कर सकते हो। तो इन दिस मैनर यू हैव टू मेक द एब्रीविएशन। अगर आपके पूरे पैसेज में एब्रीविएशन नहीं है तो यू कैन नॉट से मैम दैट देर वॉज नो एब्रीविएशन, कोई ऐसा वर्ड था ही नहीं जो एब्रीविएटेड था इसलिए हमने तो लिखा ही नहीं। इट इज मस्ट। वाई इट इज मस्ट? बिकॉज वंस यू हैव रिटन यूअर नोट्स, आपने अपने नोट्स पूरे लिख लिए हैं, उसके बाद आपको एब्रीविएशन बॉक्स बनाना पड़ता है और इस बॉक्स के अंदर आपने जो चार या पांच एब्रीविएशन यूज किए हैं उसको और उसके एक्सपेंशन को लिखना होता है। नेक्स्ट इज रिमूव और ओमिट ऑल द प्रोनाउंस। रिमूव और ओमिट ऑल द प्रोनाउंस, यानी कि अभी मैंने जैसे एक बोला, नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज बॉर्न ऑन, तो ये जो ही है उसको हटा दो, वॉज बॉर्न ऑन। देन हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, इनको भी जहां पर भी आपको लगता है देर इज नो नीड, मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज नो नीड, आप उसको भी हटा दोगे। ही इज अ ग्रेट लीडर, तो देर इज नो need of writing the entire great leader. He is a great leader, nahin, great leader, bas. In this manner, you need to omit all the articles also, जो हमारे a and the है उन्हें भी आपने हटा देना है. Means, in another word, you should have the phrasal sentences. Now, what is phrasal sentences? Abhi jaise maine bola, he was a great leader. Ya phir, he was a good orator. To mujhe,
मैं किसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ही वॉज अ गुड ओरेटर, तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है गुड ओरेटर. आई डोंट नीड टू राइट ही और ए. मुझे फ्रेजल, मैं फ्रेजल का मतलब होता है उन शब्दों से सीधा मीनिंग आना चाहिए. मुहावरे जैसे हम बोलते हैं, द मीनिंग शुड बी कन्वेड. तो दीज आर द व्हाट वी कॉल एज मेन पॉइंट्स. आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड योर पैसेज इनटू 4 to 5 अकॉर्डिंग टू द मैटर. अब वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, लेकिन आपको मैटर के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हो सकता है कि एक आध लाइन ऊपर वाले के साथ नीचे में हो. देन जो आपको लगता है कि ये जो पैराग्राफ है ये किस बारे में बोल रहा है, वो आपका बन जाता है हेडिंग. उसके नीचे आपको 4 से 5 सब हेडिंग कर लिखना है. कभी कभी आपका जो सब हेडिंग होता है दैट मे बी लॉन्ग, तो उसको हम तोड़ कर सब सब हेडिंग में बना देते हैं. नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स वी हैव टू यूज एब्रीविएशंस इन अवर हेडिंग्स. मतलब जो सब हेडिंग्स हैं उनमें यूज करना, नॉट इन द हेडिंग, सब हेडिंग में यूज करना. एंड ओवरऑल हम 4 to 5, हम 6 7 यूज कर सकते हैं, बट हमें बॉक्स में 4 to 5 डालना होता है. पहले हम स्टैंडर्ड एब्रीविएशन को यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑलरेडी जो है लैंग्वेज के अंदर. अगर नहीं होता है देन वी कैन मेक अवर ओन एब्रीविएशन. रिमूव द प्रोनाउंस, omit the articles wherever necessary, wherever it is not necessary, जहां पर भी उसकी जरूरत नहीं है. And try to make phrasal sentences. Sentences आपके phrases में है. Now let us come and let us do a very small one. मैं बहुत छोटा सा एक example आपको बता रही हूं, just to give you how you will be making. I'm taking Mahatma Gandhi because that's a very easy when you are learning note making, and if you are learning it through the biography of someone, किसी की biography से आप learn करोगे तो आपको समझने में आसान हो जाएगा. So that is why I have taken this biography of गांधी जी. नाउ इफ यू लुक, नाउ लेट अस कम, हमें इस पैसेज को कैसे करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके सामने पैसेज है, तो व्हाट यू विल डू इज आपने उस पैसेज को पहले पढ़ना है. जैसे इसमें लिखा हुआ है, दिस इज रिटन बाय मी ओनली एंड आई हैव नॉट एडेड मच. हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. ही वॉज अ लॉयर, पॉलिटिकल एथिसिस्ट. देन उनका बिलीव नॉन वायलेंस था. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर पोरबंदर में. उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्कूलिंग कहाँ हुई, देन उन्होंने क्या पढ़ाई की, उन्होंने क्या पॉलिटिकली अकम्प्लिश किया, उनकी कब डेथ हुई. तो नाउ वी कैन, अब हम क्या करेंगे, इस पैसेज को राइट नाउ, ये पैसेज 2 या 3 में ही जाएगा. वन इज हिज अर्ली लाइफ, यानी कि बर्थ, ठीक है, और उनके मम्मी पापा. फिर सेकेंड हमारा जाएगा उनकी पढ़ाई और जो भी उनका जो करियर था. एंड तीसरा जाएगा जो उन्होंने पॉलिटिकली किया था, ठीक है. एंड लास्ट हम ले सकते हैं उनकी डेथ एंड उनको जो फॉन्डली बुलाया जाता. तो नाउ वी आर, हमें समझ आ गया कि दिस इज अबाउट महात्मा गांधी. And this is the passage. अब हमने इसको divide करना. What we will do is, जब आपके सामने ऐसे papers में आते हैं, तो you can in the beginning to practice, you can underline the important जो आपको लग रहा है, जैसे उनका full name. Then lawyer है, political ethicist है,
नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। हिज बर्थ प्लेस, फादर मदर, देन स्कूलिंग, देन लॉ लंडन, देन ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म, देन लॉन्च्ड मेनी मूवमेंट्स, देन उनकी डेथ हुई थी असासिनेटेड बाय, देन ही इज ऑल्सो कॉल्ड। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, वो जो बाकी बच गए वो नहीं है। अब हमने इनको पॉइंट्स में बनाना है एंड दैट इज कॉल्ड एज नोट मेकिंग। ठीक है, नाउ इन द एंटायर पैसेज वी नो दैट इट इज अबाउट महात्मा गांधी। तो जो हमारा टाइटल जाएगा, जो हमें लिखना है टाइटल, इट इज महात्मा गांधी। इसके आधे मार्क्स है। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर यूजिंग द एब्रीविएशंस, द इंटेंशन, द टाइटल, द हेडिंग्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज, अब हमें स्टार्ट करना, ये तो हमारा टाइटल हो गया, अब हमें स्टार्ट करना हेडिंग। हम हेडिंग को बच्चा वन से भी लिख सकते हैं, या मैं वन को छोड़कर आई मे यूज ए, और आई मे यूज द रोमन न्यूमरल ऑल्सो। ये मेरी मर्जी है, इट इज नॉट कि आपको वन ही यूज करना, बट आई एम यूजिंग वन। तो पहला हमारा क्या है, पहला बता रहा है अबाउट हिज अर्ली लाइफ। तो हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में वी विल नॉट बी यूजिंग एनी शॉर्ट फॉर्म। अब ये जो मैंने आई बनाया है, इसके नीचे हमारा सब हेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे नहीं होगा, इसके नीचे होगा। सो नाउ आई हैव यूज्ड 1.1। अब 1.1 क्या है, पहला उसका उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एथिसिस्ट, लॉयर, यही लिखा है, एंड बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। अब मैंने इसके अंदर जो है, आई हैव यूज्ड एब्रीविएशन बिलीव्ड, या मैंने यूज किया है, तो मैंने पहला यूज कर लिया। अब सेकेंड मेरा जा रहा है अर्ली लाइफ। अब उनकी स्टार्टिंग लाइफ, अब मैं क्या करूंगी, अब ये पहला वन था मेरा, ठीक है, अब मेरा टू है, तो मेरा 2.1। पहला वन था तो 1.1, अब टू था, टू अब कहां पे था, बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1889। अब आप देखोगे ये कितना लंबा है, बॉर्न ऑन 2nd October 1899 इन पोरबंदर गुजरात। अभी लंबा जा रहा है इसीलिए, और ये पूरा एक है, दिस इज कंप्लीट वन सेंटेंस। तो अब मैंने इसको सब सब हेडिंग दे दिया है, यानी कि वो जो लंबा सेंटेंस था उसको मैंने तोड़ दिया इंटू टू, पोरबंदर गुजरात। Then 2.2, ये तो इसका था, इसलिए 2.1.1। अब 2.1 फादर करमचंद एंड मदर पुतली बाई। अब अर्ली लाइफ है तो स्कूलिंग कहाँ की थी, स्कूलिंग एट राजकोट, देन स्टडीड लॉ इन लंदन। ये उनका पूरा जो है
ये मोहनदास ने, उनका नाम करमचंद था, ये उनका पूरा जो है यहाँ तक हमारा आ गया, यहाँ तक दिस वॉज अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज स्कूलिंग एंड ऑल. अब थर्ड है उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, उनको हम पॉलिटिकल एथिसिस्ट क्यों बोलते हैं, तो हम उसको थर्ड में लेकर आ रहे हैं. इसके अंदर, इस वाले में मैंने अक्टूबर को आई हैव टेकन एस एब्रीविएशन, अक्टूबर, OCTOBER की जगह मैंने सिर्फ OCT लिखा है. अब हमारा है, सॉरी, पॉलिटिकल अचीवमेंट, उन्होंने पॉलिटिकली क्या किया था. तो फॉट अगेंस्ट रेसिज्म, स्टार्टेड मूवमेंट्स इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश ये इसमें पैसेज में नहीं है, बट आई एम जस्ट एडिंग इट इन द पैसेज. लेड फेमस डांडी मार्च, देन इन दिस नाउ आई हैव यूज्ड, मैंने क्या किया है पॉलिटिकल अचीवमेंट में, फॉट अगेंस्ट रेसिज्म, मैंने अगेंस्ट का बना लिया है, स्टार्टेड मूवमेंट्स इन इंडिया एक और बना लिया है, अगेंस्ट तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा हम उसी को यूज कर सकते हैं, एंड फिर एंड में कॉल्ड बापूजी, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, असासिनेटेड को मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, एब्रीविएशन कर दिया है, 30 जनवरी जैन को मैंने कर दिया बाय नथुराम गोडसे. अब ये पूरा लंबा था, असासिनेटेड ऑन 30 जैन 1948 बाय नथुराम गोडसे, तो मैंने उसको सब सब हेडिंग करके एक और पॉइंट बना के लिख दिया. तो ये जो पैसेज था, दिस इज, मैंने इसको नोट मेकिंग कर दिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नोट मेकिंग. और ये जो देखने में आपके स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है विद दिस इंडेंट आपका, देन ये जो सब हेडिंग्स है या सब सब हेडिंग्स है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे होने चाहिए. आप इसमें लंबे लंबे लाइंस लिखोगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी मार्क्स. So you need to write it in this manner. You may be given a passage on anything and you have to form it in this manner. Then once you have done with this, ये तो हो गया आपका, ये तो हमारा बना था. And हमारा जो abbreviation है, it is always used in the sub headings. इनको हम sub headings बोलते हैं. इनमें हम use करते हैं, we do not use in this. Heading में use नहीं करते. इनको हम हेडिंग्स बोलते हैं और इसको हम सब सब हेडिंग्स बोलते हैं. तो
तो वी नीड टू यूज द एब्रिविएशंस ओनली इन द सब हेडिंग्स और सब सब हेडिंग्स, नॉट इन द हेडिंग्स. नाउ यू हैव रिटन इट. अभी हमारा पूरा हो गया है. अब क्या करना है? अब हमें सचमुच में ही एक स्केल लेना है. इसके नीचे ऑन द यहां पर वी विल बी मेकिंग द एब्रीविएशन बॉक्स. हमें एब्रीविएशन का एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है. एंड फॉर दैट प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट डू नॉट यूज द आपकी जो मर्जी होती है, दैट इज मेकिंग द बॉक्सेस विदाउट एनी स्केल. डू नॉट यूज इट. मेकअप मेक द प्रॉपर यूज ऑफ बॉक्स. जैसे हम अपने अकाउंट्स में यूज करते हैं फॉर मेकिंग एंट्रीज, हम फिजिक्स में यूज करते हैं, हम होम साइंस में यूज करते हैं, सिमिलरली वी यूज नी. अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको लिखना है की टू एब्रीविएशन या फिर एब्रीविएशन बॉक्स, दोनों चलेगा. आप की टू एब्रीविएशन भी लिख सकते हो और यू कैन राइट एब्रीविएशन बॉक्स. फिर यहां सीरियल नंबर जो आपने एब्रीविएशन यूज किया है वो, एंड उसका जो मीनिंग है या उसका एक्सपेंशन है वो. एंड इन द बॉक्स वी विल बी पुटिंग, हमने चाहे 6 या 7 यूज किए हो, वी वुड बी पुटिंग ओनली 4 to 5 एब्रीविएशन. अब हमने इसके अंदर यूज किया है असैसिनेटेड अक्टूबर अगेंस्ट मूवमेंट्स, तो मैंने उन्हीं को ले लिया है और उसका जो मीनिंग है वो मैं लिख दूंगी सामने. दैट इज असैसिनेटेड So this is how note making is made. We have made the notes. Now we don't need to go to the passage once again. अब ये जो हमने बनाया है इसी को हमने एक short passage बनाकर we need to give wordings, देने हैं summary. ये word लिखना है summary. और फिर ये जो लिखा हुआ है इसी को हमने सेंटेंस बनाकर वी हैव टू राइट. लाइक महात्मा गांधी वाज अ पॉलिटिकल एथिसिस्ट लॉयर एंड हु बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1889 इन पोरबंदर एट गुजरात. हिज फादर वाज करमचंद एंड मदर पुतलीबाई. ही डिड इट स्कूलिंग एट राजकोट, स्टडीड लॉ इन लंडन, fought against racism, started many movements against British in India and also led the Dandi March. He is fondly called Bapuji and father of nation and was assassinated on 30 January 1948 by Nathuram Godse. Das. तो ये आपका जो समरी है, इट इज जो भी आपका पैसेज होगा उसका 1/3 होता है और नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ आता है 80 words. Why I said 1/3 is sometimes आपका जो पैसेज है वो काफी लंबा होता है तो उस सिचुएशन में इट इज 1/3, अदरवाइज इट इज 80 words मैक्सिमम. यू डू नॉट नीड टू एड एनीथिंग ऑन योर ओन. आपको खुद से कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस पैसेज को पढ़कर इसको आपने ऐसे बनाना है सुंदर सुंदर. इट शुड बी रिटन इन द सेम मैनर एज इट इज रिटन ऑन द स्क्रीन एंड you need to put the abbreviation box and then summary. Summary ki to alag se normally 8 marks ka pehle aata tha, to summary
नॉर्मली इज ऑफ 3 मार्क्स, एंड ये जो हमारा पैसेज है टाइटल, टाइटल के आपके हाफ मार्क्स, देन आपका जो बॉक्स है इसके हाफ या 1 मार्क्स, और बाकी आपका जो हेडिंग कंटेंट है उसके। तो पहले तो दिस यूज टू कम फॉर 8 मार्क्स, तो 5 मार्क्स आपका नोट मेकिंग के लिए होता था एंड 3 मार्क्स इज फॉर योर एब्रीविएशन। बट नाउ आई थिंक इट इज ऑफ 10 मार्क्स का है तो फिर वो उतना ही डिवाइड हो जाता है, एंड इफ इट इज ऑफ 5 मार्क्स देन ऑल्सो, अभी तो ये 10 मार्क्स का क्योंकि एक पैसेज और एक नोट मेकिंग है, तो 10 मार्क्स का मतलब आपका जो है 5 मार्क्स इज फॉर योर दिस पैसेज एंड 5 मार्क्स इज फॉर योर समरी एस। तो एवरीथिंग इज मार्क्ड, जैसे ये हेडिंग है इसके भी टाइटल के भी मार्क्स है, हेडिंग के भी मार्क्स है, ये जो इंडेंट हमने बना रखे हैं इनके भी मार्क्स है, एब्रिविएशन के भी मार्क्स है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वॉट वी कॉल एज नोट मेकिंग।